हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज है सैटरडे और आज मैं और मेरे हस्बैंड क्योंकि फ्री हैं तो इसीलिए हम जा रहे हैं जर्मनी की एक सिटी एक्सप्लोर करने जिसका नाम है बर्गिश ग्लैडबैक। सो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि वो कैसी सिटी है और हम कैसे गए। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं एचबान की तरफ। एचबान यहाँ पे एक स्काई ट्रेन है जिससे हम एक स्टेशन पे जाएंगे डॉर्टमुंड एंड देन वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के लिए। देखिए आज सैटरडे है तो यहाँ पे ये पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है तो एक भी स्टूडेंट नहीं है एंड वेदर बहुत ही ऑसम हो रहा है। सो देखते हैं गाइस, हम आ चुके हैं अपने एचबान स्टेशन पे और अभी हमें पता लगा है कि यहाँ पे दो ट्रेन चलती हैं दो रूट्स पे, लेकिन एक ट्रेन ख़राब हो गई है। वो यहाँ कभी भी हो जाता है। सो लेकिन हमें तो दूसरे वाली पकड़ेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये है स्टेशन और अब हम लेंगे ये वाली ट्रेन जो कि जाएगी पहले एचलिंगहोफन एंड देन जब वो रिटर्न आएगी तो हम लोग उसमें बैठेंगे। और ये दूसरी ट्रेन है जो कि अभी ख़राब है। इट्स एक्चुअली वेरी नॉर्मल यहाँ डॉर्टमुंड में कि जनरली जब दो स्टेशन होते हैं तो एक ट्रेन यहाँ पे ख़राब हो जाती है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत दूर तक जाती है, दिस इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। और आज बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि बहुत लोग खड़े हुए हैं। सो हम स्टार्टिंग में नहीं बना पाए बट अब हमें सीट मिल गई है तो हमने वीडियो बना लिया। और अब दो स्टेशन और रह गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे एंड देन वहाँ से एक और ट्रेन पकड़ेंगे तब जाके हम लोग पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन से। उसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं दिखा पाई तो रश बहुत है तो मैं थोड़ा कम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन थोड़ी बेटर होती है हमारी नॉर्मल ट्रेन से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हैं, उस वाली ट्रेन में अलाउड नहीं है एंड देन यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी होता है सो आप आराम से चार्ज करके जा सकते हैं। अभी हम स्टेशन पे उतर गए हैं और अब हम अपनी लास्ट ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो कि आएगी 2:04 पे हमें, क्योंकि हमें जाना है बर्गिश ग्लैडबैक। सो ये हमारी फाइनल ट्रेन है जिसमें हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। अभी पहले 158 वाली ट्रेन आएगी एंड देन उसके बाद हमारी 2:04 वाली ट्रेन आएगी। ये छोटा ही स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम उतरे तो कोलोन पे थे लेकिन हम लोगों ने एक गलत ट्रेन पकड़ ली तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है लेकिन हमें जहाँ जाना था वहाँ की ट्रेन कैंसिल हो गई है और अब हम वहाँ नहीं जा सकते, तो अब हम लोग दूसरी सिटी कोलोन ही जा रहे हैं, वहीं पर घूमते हैं क्योंकि अब इतना दूर आ चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन फिर घर वापस चले जाएंगे। सो हम कोलोन पहुंच गए हैं। ये कोलोन का स्टेशन है, इसका नाम कोलोन HPF है, हॉफबान हॉफ, और इसको सेंट्रल स्टेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा एक बहुत फेमस चर्च है, हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं और हम लोगों ने ट्रेन से उतर कर थोड़े पोमोस खाए हैं यहाँ पे क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हम थोड़ा बहुत सामान बैग में भी लेकर आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं चर्च एंड देन चर्च के बाद हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और फिर हम लोग मैप पे चेक करेंगे कि और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं।
सो ये बहुत बड़ा स्टेशन है एक्चुअली अगर हम लोगों को यहाँ से नानू नाना तो ये बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ से हम लोगों को जब पेरिस गए थे तो हमारी बस यहीं से थी तो जनरली जब ट्रिप पे जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ से बस पकड़नी होती है अदरवाइज हम लोगों को डॉकमेंट से भी मिल जाती है बट अगर वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो कैंसिल हो जाती है एंड देन फिर यहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं मैं आपको दिखाती हूँ चर्च तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है यहाँ का बहुत फेमस चर्च और हम लोग यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं और नाइट व्यू यहाँ का बहुत ही ऑसम रहता है पूरा लाइटनिंग होती है एंड देन यहाँ पे राइन वाटर रिवर भी है सो बहुत प्यारा लुक होता है यहाँ पे एक ब्रिज है जहाँ पे बहुत सारे ताले बांध रखे हैं किसी कोई कुछ लिखता है उन तालों पे लव या फिर किसी ने नाम लिखा हुआ है वो पूरा ब्रिज अब तालों से ही भर गया है अभी हम चर्च के अंदर जा रहे हैं आई डोंट नो कि वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं है बट मैं लेकर जाती हूँ फोन अगर कोई मना करेगा तो नहीं जाएंगे प्यारा चर्च है आई डोंट थिंक सो कि फोन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे सुंदर चर्च है इसका पीछे बैक का जो स्पेस है वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ कोई भी जा नहीं सकता है अलाउड नहीं है तो फ्रंट जहाँ तक एंट्री अलाउड थी वहाँ तक हम लोग गए एंड हम लोगों ने फोटोज़ भी खींची है और अब हम आ गए हैं बाहर थोड़ी धूप कम हो गई है तो अच्छा लग रहा है अब अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पर और आप देख सकते हो पूरा फन मूड है यहाँ पर सबका ही ये टेडी बियर्स बहुत क्यूट हैं इसके साथ हम लोगों ने फोटोज भी खिंचवाई हैं आप देख सकते हो कोई डांस कर रहा है यहाँ पे सो ऐसे शोज तो यहाँ चलते ही रहते हैं Oh, my God.
ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, सो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है, वापस घर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, लाइक डॉर्टमुंड से किसी सिटी जाने का, या फिर कैसे ट्रेन की टिकट्स लेते हैं, कितने की होती है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि उसी पर वीडियो बनाऊँ।